अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड फ्रेंड। इस वीडियो में हम जो है वो MIUI 13 के अपडेट की बात करेंगे। मेरे पास लास्ट टाइम भी जो है वो अपडेट आई थी मोबाइल में, और मैं खुश हो गया था कि मेरे पास जो है वो MIUI 13 की अपडेट आ गई है। बट वो MIUI 12.5.4 की अपडेट थी, ठीक है। और अभी जो है मेरे पास दोबारा से ये सेटिंग में एक अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, तो चेक करते हैं ये कौन सी अपडेट आई है मेरे पास। और मुझे उम्मीद है कि शायद ये MIUI 13 की ही अपडेट होगी, बट चेक कर लेते हैं फिर भी कि अब जो मेरे पास ये अपडेट लिखा हुआ आ रहा है ये कौन सी अपडेट है। अच्छा, इससे पहले भी मेरे पास जो है वो ऐसा हो चुका है कि लास्ट टाइम जब 12.5 की अपडेट आई थी तो उसमें भी जो है मेरे पास इस तरह से एक दोबारा उसने दिखाया अपडेट, और जब मैंने क्लिक किया और मैं गया अपडेट पे तो उसने मना कर दिया कि कोई अपडेट जो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इस तरह से मेरे साथ जो है तकरीबन 3 से 4 बार हुआ था, लेकिन विद इन अ मंथ जो है मेरे पास अपडेट आ गई थी और 12.5 जो अपडेट हो गया था। तो अगर ये अपडेट आ रही है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये अभी के अभी जो है वो अपडेट हो जाए, और अगर नहीं होता तो फिर मुझे एक चांस है कि हाँ मेरे पास जो है ये मतलब वीक्स में 2-3 बार देगा और लास्ट में जो है मंथ के एंड में अपडेट आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी अपडेट आ रही है, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास जो है वो MIUI 13 की अपडेट आ गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पहले उसने बोला कि नो अपडेट्स अवेलेबल, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पे उसने अपडेट का ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। और ठीक है, स्टेबल 2.6 GB। अच्छा, ये 2.6 GB का है, मेरे ही थोड़ी स्पेस जो है वो ज़्यादा भरी हुई है मोबाइल की, सिर्फ आई थिंक 1.6 GB ही खाली है, तो मुझे पहले अपनी स्पेस भी क्लियर करनी होगी। बाकी जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हुई होंगी, ठीक है, वो फिर मैं उस पर एक अलग एक वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखा दूंगा। तो अभी जो है मैं इसको डाउनलोड पे लगाने से पहले अपनी जो सेटिंग्स हैं मतलब जो मेरी स्टोरेज है मैं उसको क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको अपडेट पे लगाता हूँ, ठीक है। तो मैंने अब जो है अपनी स्पेस थोड़ी क्लियर कर ली है, 4.8 GB जो है मेरे पास अब अवेलेबल है। तो अब हम जो है उसको डाउनलोड करना शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि ऊपर भी मेरे पास जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन आ गया है कि अपडेट्स आर अवेलेबल 13.0.5, ठीक है। तो अब इसको जो है वो डाउनलोड पर लगा देते हैं, और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, मैं वीडियो को जो है वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए, और इसके बाद फिर जो है मैं इसके जो फीचर्स वगैरह हैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा ताकि अपडेट के बारे में पता चल जाए। अभी जो बस बेसिक इसका लेआउट होगा चेंजिंग के बाद जो रीस्टार्ट होकर आता है उसके बाद, और उम्मीद है मुझे कि हो सकता है इसमें वो प्रॉब्लम ही ठीक हो गया जो मेरे साथ आता है कि जब मैं MIUI को अपडेट करके रीस्टार्ट करता हूँ तो मेरी जो सेकंड्स हैं वो काम नहीं करती, उसके सिग्नल जो है वो चले जाते हैं और मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब मैं दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ तो फिर वो जो सिग्नल है वो दोबारा सही हो जाते हैं, दोनों के सिग्नल आ जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। और अब जो ये अपडेटिंग की तरफ गया है, ठीक है, अपडेटिंग हो रही है, तो अभी जो है मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो इसने जो है वो अब इसको अपडेट भी कर लिया, और अब ये जो है फाइनलाइजिंग की तरफ है, ठीक है। फाइनलाइजिंग के बाद जो है हम इसको ये रीबूट का ऑप्शन देगा, और रीबूट के बाद जो है इसकी असल शक्ल सामने आएगी कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ें अपडेट हो गई हैं। तो चलें फिर मैं इसको भी जो है फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इसने जो है अब फाइनलाइज भी कर दिया और इसने रिबूट का ऑप्शन दे दिया। अब जब मैं इसको रिबूट करने जा रहा हूँ, और रिबूट के बाद जो है फिर हम दोबारा इसको वीडियो बनाएंगे कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें अपडेट हो गई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब जो है इसको रिबूट कर देते हैं फ्रेंड्स। तो अब रीस्टार्ट होने के बाद जो है इसने मेरा वॉलपेपर भी चेंज कर दिया, और आप देख सकते हैं कि अभी फिनिशिंग सिस्टम अपडेट हो रहा है, अभी पूरा जो है वो फिनिश हुआ नहीं है, और ऊपर लिखा हुआ गया है अपडेट MIUI सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी इसने डेटा वार्निंग दे दी कि 144 MB ऑफ डेटा आप यूज़ कर सकते हैं, कर चुके हैं सॉरी। तो अब देखते हैं बाकी अब इसमें क्या चेंजेस होती हैं। बाकी इसके अलावा जो ये एक बटन मुझे नज़र आया यहाँ पे टैप का, ठीक है, जो अभी ये नया आ गया है यहाँ पे, नोटिफिकेशन सेटिंग वगैरह आ रही है इसकी, पावर ऑफ का है, वॉल्यूम का है, ठीक है, लॉक स्क्रीन है, ये एक इसमें अभी तक मुझे एक नई चीज़ नज़र आई है फ़ौरन ही। बाकी अभी सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं वो
फिनिशिंग पर हैं, तो वो जब पूरी फिनिश हो जाएंगी तो उसके बाद ही जो इसका एक्चुअल वो पता चलेगा। और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मेरी सिम है वो फिर से बंद हो गई है, और उस रीस्टार्ट के बाद ये आई थिंक दोबारा से सेट होगी। ठीक है, तो अभी हम जो है वो इसका वेट करते हैं थोड़ा सा कि इसकी जो सेटिंग है वो फिनिश हो जाए पूरी, उसके बाद फिर जो है इसको और चेक करेंगे। यहाँ पे भी इसको टैप करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मेरा MIUI वर्जन 13.0 इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हैं वो तो फिर हम जो बाद में फुर्सत से चेक करेंगे। हम जो अभी अपडेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट फ़ोन में भी मेरे पास ये ऑप्शन आ गया कि पहले यहाँ पर 12 लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं कि खूबसूरत सा 13 वर्जन लिखा हुआ आ रहा है। और इसकी फिर और चीज़ें जो है हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनली मेरे पास जो है अब ये MIUI 13 अपडेट हो गया है। ठीक है, आज जो है वो 26 फरवरी है, और मैंने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था कि फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो जो जो मोबाइल उन्होंने बताए थे तो उन सब में जो है वो जनवरी में, फेब में या फिर मार्च तक, जो है मार्च के एंड तक अपडेट आ जाएगी। ठीक है, जिनके पास नहीं आई है वो टेंशन नहीं लें, उस टाइम में आपके पास जो है वो अपडेट आ जाएगी, यानी कि मार्च के एंड तक अपडेट आ जाएगी। और कुछ लोगों के पास जो है, यानी कि जो उन्होंने बताया था कि ये हमारा सेट है जो फर्स्ट टारगेट हमारा, उसमें ये मोबाइल सेट जो हम कवर करेंगे, तो कुछ लोगों के पास उनसे हट के भी, जैसे उसमें Redmi Note 10S नहीं था, लेकिन जो मेरा फ्रेंड है उसके पास जो है वो अपडेट मुझसे पहले आ गई थी, तो वो लकी है। ठीक है, कि उन्होंने उसमें नहीं डाला था कि प्रीवियस में जो अपडेट आ गई, अदरवाइज़ बहुत कम ऐसा होगा कि उनके पास अपडेट आए। ज़्यादातर जो उन्होंने बस सपोज़ किए हैं, उन्होंने बोला है कि ये मोबाइल सेट इसमें ऐड है अभी, तो उन्हीं के पास जो अपडेट आएगी फर्स्ट क्वार्टर में, बाकी के पास जो है वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वार्टर तक आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है मुझे कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल माइक गाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।